हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है गियर। गियर गाड़ी के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसको लगाना, न्यूट्रल करना, यूज़ करना, कितनी स्पीड पर कितना करना चाहिए या किस तरह कहाँ लगाना चाहिए, ये हर ड्राइवर को, हर स्टूडेंट को आना चाहिए। उसके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं। ये है गियर, हैवी ट्रक का गियर। ये लीवर है। सबसे पहले हम आपको इसके एक्सप्लेन करेंगे। ये जो लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है बड़े अच्छे तरीके से, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वेरी गुड। यहाँ आप देख रहे हैं ये नंबर वन लिखा हुआ है, ये इसके साथ लिखा हुआ है नीचे नंबर टू, उसके साथ ऊपर लिखा हुआ है नंबर थ्री, फिर नंबर फोर। इसमें ये बड़ी गाड़ी है, इसमें टोटल 8 गियर हैं। 4 गियर पहले जो हैं वो लो के हैं और अगले जो 4 गियर हैं वो हाई के हैं, यानी 1, 2, 2, 3, 4, इस तरह ये चारों गियर लगते हैं। ठीक है, ये गियर लीवर जो है ये यहाँ पर खड़ा होता है जहाँ N लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट गियर करना है तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट में करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे करना पड़ेगा, तो ये आपका पहला गियर लग जाएगा। जहाँ लगा हुआ है पहला, वहीं से सीधा नीचे खींचोगे अपनी टांग के साथ, तो ये आपका दूसरा गियर लग जाएगा। फिर आपने गियर को न्यूट्रल करके छोड़ोगे तो ये यहाँ से निकल के ऑटोमेटिकली मैनुअल में आ जाएगा, न्यूट्रल में। ठीक है, न्यूट्रल में आएगा तो फिर आपने तीसरा गियर सामने करना है और चौथा नीचे करना है। उसके बाद इसके अंदर एक बटन लगा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वो बटन अगर आप ऊपर और नीचे करोगे तो ऊपर हाई होता है और नीचे लो होता है। ऊपर करोगे तो जहाँ एक नंबर गियर लगता है वहीं 5 लगेगा, जहाँ 2 लगता है वहीं 6 लगेगा, जहाँ 3 लगता है वहाँ 7 लगेगा, जहाँ 4 लगता है वहाँ पे 8 लगेगा। ये हो गया 8 गियर लगाने का तरीका। अभी पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां गियर ऊपर लगते हैं, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां गियर नीचे लगते हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको लीवर। इसके साथ एक ये भी है, अगर आपने रिवर्स में जाना है तो न्यूट्रल से आपको पहले में लाना है, पहले से फिर आपने और लेफ्ट में थोड़ा लगा करना है, फिर आप नीचे करोगे तो रिवर्स गियर लग जाएगा। अब आते हैं गियर लीवर की तरफ। ये इसका लीवर है मेरा भाई। इस लीवर के साथ ये दो बटन लगे हुए हैं, ये एक इधर है और एक इस तरफ है। ठीक है, ये जो बटन है ये दोनों बटन को ख्याल से याद रखना है, ये दोनों नीचे होने चाहिए। ठीक है, अभी सबसे पहला गियर अगर आपको लगाना है तो ये जो लीवर है इसको पकड़ने का ये तरीका है। इसको आप यहाँ से पकड़ोगे, ये क्लच पकड़ लिया और पहला गियर थोड़ा सा लेफ्ट में करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट में करके आप पहला गियर आगे लगाओगे। ठीक है, अभी ये छोटी गाड़ी और इस रेनॉल्ट गाड़ी का गियर सेम है। ठीक है, ये नीचे करोगे तो दूसरा गियर लग गया। अभी आप इसको न्यूट्रल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अभी आपने तीसरा करना है तो हाथ ऊपर रखना है ऐसे, ये हाथ तीसरा ऊपर और चौथा सीधा नीचे। अभी आपने अगर चौथे के बाद पांचवा गियर करना है तो आप इसको न्यूट्रल करोगे, ये बटन ऊपर करोगे ऐसे, ये इसका लो और हाई का बटन है। ठीक है, अभी आप इस गियर को पहले वाली जगह पे डालना है, यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ आगे करोगे तो ये 5 गियर लग जाएगा। अभी ये नीचे करोगे तो 6 लग जाएगा। फिर इसको न्यूट्रल करके सीधा आगे करोगे तो ये 7 गियर लग जाएगा। फिर नीचे करोगे तो 8 गियर लग जाएगा। तो ये है इसका तरीका। ठीक है, अभी अगर आपने रिवर्स करना है तो इसको आप नीचे करोगे, यहाँ से पहले आप लेके आओगे 1 में, उसके बाद आप धक्का मारोगे ऐसे, तो फिर ये ऑटोमेटिकली पीछे करोगे तो ये रिवर्स गियर लग जाएगा। तो ये है गियर का तरीका मेरे भाई। ये बटनों का खास ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बटन जो है दोनों नीचे होने चाहिए और उसके बाद आप ये गियर बहुत बहुत ईजी है। ये देखिए, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां, ये न्यूट्रल आराम से लगते हैं गियर। अगर आप इसको ज़बरदस्ती ऐसे डालोगे तो गियर भी ख़राब हो सकता है, क्लच भी ख़राब हो सकता है। तो इसका बेहतरीन तरीका है प्यार से हाथ में पकड़ो और आराम से ये देखे गियर लग गया। ठीक है, तो ऐसा ही तरीका है इसका। तो ये आज का जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट था गियरों के बारे में। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। गुड लक एवरीवन।